नमस्कार, स्ट्रेट लाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं श्वेता सप्रू, रिफ्यूजी कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडित्स का विस्थापन हुए पूरे 30 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक कश्मीरी पंडित्स को रिफ्यूजी स्टेटस नहीं मिला। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है R.K.Bhat, यूथ ऑल इंडिया समाज के फाउंडर। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत वेलकम है द स्ट्रेट लाइन पर, तो कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो आप मुझे बताइए कि 30 साल हो चुके हैं कश्मीरी पंडित्स का विस्थापन हुए, लेकिन आज तक कश्मीरी पंडित्स को जो है रिफ्यूजी स्टेटस नहीं मिला, इस पर आपकी कमेटी ने क्या किया? एक्चुअली जो हमारा विस्थापन है पिछले 30 साल का, 30 साल होने को है, इसके एक डायमेंशन होते हैं जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फिक्स करती है। तो नॉर्मली 30 साल में किसी भी ऐसे विस्थापन लोगों को एक वर्ल्ड रिफ्यूजी स्टेटस मिलना चाहिए। अभी ऐसा क्यों नहीं मिल रहा, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए और उनको इस पर बहुत इम्पॉर्टेंटली काम करके इसको जो हमारा स्टेटस बनता है वो हमें मिलना चाहिए। क्योंकि हकीकत यह है कि 30 साल में एक भी परिवार अपने घर को वापस नहीं गया, जबकि हमने भी बहुत बार ऐसा इनिशिएटिव किया कि हमारे पंडित भाई, हमारा समाज कश्मीर वैली वापस चले जाए। हम चाहते हैं कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो कनेक्ट हो जाए रूट्स की तरफ। उस पर हम बहुत काम कर चुके हैं और आगे भी उस पर हमने कुछ और प्रोग्राम्स रखे आने वाले दिनों में, क्या हम उस पर काम करेंगे। हम मुझे बताइए कि राज्यसभा की होम अफेयर कमेटी ने जम्मू कश्मीर की सरकार को एक रिकमेंडेशन भेजी थी जिसमें लिखा था कि कश्मीरी पंडित्स को जो है माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उसने इस बात से मना कर दिया। तो इस बात पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कदम उठाया? जो मैम, हमारा जो सोच है वो ये है कि हमें जो माइग्रेंट का वर्ड दिया गया, माइग्रेंट के नाम से कश्मीरी पंडित को जो कहा बुलाया जाता है कि एक माइग्रेंट है, माइग्रेंट तो अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। ये किसी डिक्शनरी में भी ये डिफाइन नहीं करता है कि जो होमलेस और नेमलेस आइडेंटिटी लेस कम्युनिटी होगी उसको आप माइग्रेंट नहीं कर सकते। माइग्रेंट हो गया जो अपनी इच्छा के अनुसार माइग्रेट करे वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे कुछ हमारे पक्षी लोग माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह के लिए। तो ये टर्म जो है, ये टर्म ही बेसिकली फंडामेंटली ये इनकरेक्ट है। फंडामेंटली इसको करेक्ट करने के लिए इसमें स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ ऐसे मेजर्स उठाने चाहिए। देखिए, जो कश्मीरी पंडित जब घर से इसको भगाया गया, बाहर कर दिया गया, अपने मदरलैंड से इसको बाहर कर दिया गया, ये एक नेचुरल डिजास्टर नहीं था। ये कोई सुनामी नहीं आई थी कि एक समाज को किसी सुनामी के कारण घर उनके बह गए और उनको निकलना पड़ा। एक साजिश थी जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था, जो ISI स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था, उसके अगेंस्ट कश्मीरी पंडित को नेशनलिस्ट फोर्सेस होने के नाते एक वैली को छोड़ना पड़ा। वो बल्कि हमारे खाली कश्मीरी पंडित नहीं, कुछ नेशनलिस्ट फोर्सेस में मुस्लिम लोग भी थे, सरदार भी थे, उनको भी निकलना पड़ा। और कम से कम उस टाइम के लोग निकले जो 4-5 लाख लोगों की तादाद में लोग आज 30 साल के बाद भी अपने घर से बाहर है, अपने वतन से बेदखल है, अपने मातृभूमि से बाहर है। तो इसको आप माइग्रेंट के वर्ड से यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू डिफाइन इट। ये पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए कि वहाँ पे इसको डिफाइन करना चाहिए कि इस कम्युनिटी को जो अपरूटेड कम्युनिटी है, जिनके ऊपर अत्याचार हुए, जिनके घर छीने गए, जिनकी दौलत छीनी गई, जिनके बाग बगीचे छीने गए, उनको आप माइग्रेंट के वर्ड से वहीं पर रोक नहीं सकते। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनली भी बहुत बार हमने लड़ा है, कई हमारी रिटे जो है सुप्रीम कोर्ट में भी है, जम्मू कश्मीर के भी कोर्ट में पड़ी है, लेकिन अभी तक ये संभव नहीं हुआ कि एक स्टेटस के नाम से हमें माना जाए, चाहे हमें माइनॉरिटी स्टेटस का ही इंटरनली डिस्प्लेसड का स्टेटस दर्जा दिए। और हकीकत यही है कि हम रिफ्यूजीज हैं अपने ही देश में, अपने ही वतन में। माफ कीजिएगा, मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि जम्मू कश्मीर की सरकार को होम अफेयर कमेटी ने रिकमेंडेशन 4 साल पहले भेज दिया था कि आप जम्मू कश्मीर में जितने भी कश्मीरी पंडित हैं इनको माइनॉरिटी स्टेटस दे दीजिए, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उसने इस चीज से मना कर दिया। मैंने कहा इस चीज पे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या स्टेप आउट किया? देखिए मैम, लोग आंदोलन करते हैं, लोग अपनी बात सरकारों तक पहुंचाते हैं, लोगों के पास ये पावर नहीं होता है वो छीन के इन चीज़ों को ले ले।
जितने प्रदर्शन यूथालिंडा कश्मीरी समाज के द्वारा हुए थे, हमने लाल चौक में प्रदर्शन किए, हमने दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस के बाहर प्रदर्शन किए, हम यहाँ रोज़ जम्मू में हमारे प्रदर्शन होते हैं, हमने भूख हड़ताल किया, हमने हंगर स्ट्राइक्स की, हमें जेल कितनी बार जाना पड़ा इस विषय के कि हमें एक स्टेटस दिया जाए। माइनॉरिटी स्टेटस को केवल कश्मीरी पंडित ने नहीं कहा, माइनॉरिटी स्टेटस को जो चेयरमैन थे हबीबुल्ला जी, उन्होंने भी रिकमेंड किया कि इनको माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए। ये नहीं दे रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट अगर कमज़ोर नहीं होती, अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास विल पावर होता तो 30 साल में हम घर में ही होते। इसलिए बहुत सारे विषय पे समाज लड़ता है और वो लड़ते हम आ रहे हैं 30 साल से, लेकिन मसलों का हल करना जो है वो सरकारों का काम है, हमारा काम नहीं है। उनसे आप भी पूछ सकते हैं कि भैया ये तो एक जेन्युइन काज है, इस जेन्युइन काज को आप एड्रेस क्यों नहीं करते हैं। बहुत सारे कश्मीरी पंडित जो है वो अभी लीडर बन चुके हैं, तो आपने कभी उनसे गुहार नहीं लगाई कि अगर ऐसा चीज जो है ये सामने आई है, कोई रिकमेंडेशन आई है, तो आपने इस पे कोई स्टेप क्यों नहीं लिया आगे? मैडम देखिए, लीडर बनना कोई पाप की बात नहीं होती है, कोई भी इंसान लीडर बन सकता है। लीडर बनने के लिए काम करना होता है। हमने जो काम किया है, हमने एक इनिशिएटिव लिया डिस्पाइट कि हमें कोई आइडेंटिटी नहीं है, हमारा रूट हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, 2010 में यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज एक वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अपने वॉलंटियर्स को, अपने समाज के नौजवानों को तैयार करके आज भी वो कश्मीर वैली में वापस है और वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वो काम कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का फेलियर होने की वजह से आप उसको एक रिटर्न की पॉलिसी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। आपने उसको केवल सर्वाइवल के बात तक ही महदूद रखा, उससे आगे आप नहीं बढ़ पाए। वो बच्चे जो कश्मीर गए इस लिहाज से कि हम फिर से अपने रूट्स में कनेक्टेड हो जाएंगे, वहाँ के लोगों से फिर वही भाईचारा कायम करेंगे, हकीकत यह है आज भी उनको रहने की जगह नहीं है। जब बाबरी मस्जिद, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का किस्सा हुआ, उस किस्से में कम से कम लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडितों के घर श्राइन जला दिए गए एक रात में, और वो जो हमारे घर चला गए, आज जो इंसान वापस जाता है, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट की ये रिस्पांसिबिलिटी नहीं है कि उसका घर वो रेस्टोर करके दे दे, उसकी प्रॉपर्टी को वो रेस्टोर कर दे? इतनी एनक्रोचमेंट कश्मीर में होती है, ये पावर ऑर्गेनाइजेशन इसके हाथ में नहीं होता है। इसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाने होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है जिससे आप हर एक इंसान की आइडेंटिटी अपने देश में रेस्टोर कर पाएंगे। ये फेलियर कश्मीरी पंडित की लीडरशिप का नहीं है, ये फेलियर कश्मीरी पंडित की स्ट्रगल का नहीं है। ये फेलियर अगर किसी का है, वो कुछ ऐसे लोग हैं। गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ने कभी कश्मीरी पंडित को आज तक ओन नहीं किया। मैं आपको कहूँगा कि 30 साल में जो भी, चाहे रिलीफ थोड़ा बहुत जो हमें मिल रहा है, चाहे ये पैकेज की घोषणा हुई, चाहे किसी किस्म का कोई भी हेल्प अगर कश्मीरी पंडित को आज तक मिला, वो सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आ रहा है, सिक्योरिटी के फंड से आ रहा है। आज तक कितना पैसा स्टेट गवर्नमेंट ने कश्मीरी पंडित के ऊपर खर्चा किया, ये पूछने का विषय बनता है। आप गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में जितने भी रूलिंग पार्टीज रही हैं, इवन लास्ट टाइम भारतीय जनता पार्टी भी रूलिंग में रही है, आप उनको कहिए, मैंने एक बार आरटीआई भरी थी, कि आपने कश्मीरी पंडित के ऊपर, उनके वेलफेयर के ऊपर, उनके डेवलपमेंट के ऊपर, उनके सर्वाइवल के ऊपर, उनको घर रिटर्न वापस पहुंचाने के लिए कितना खर्चा किया? और कहा जाता था कि आपका पैसा दिल्ली से आता है, जब दिल्ली पैसा भेजेगा वही हम आपके ऊपर खर्च कर सकते। अगर सब दिल्ली में होना है, फिर हमारी स्टेट सब्जेक्ट किस काम की है? अगर सब दिल्ली में होना है, फिर हमारा आईडी वोट किस चीज़ का माने रखता है? अगर हर कोई चीज़ दिल्ली में करनी है, हाँ तो हम रियासत जम्मू कश्मीर में क्या कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा कलंक सरकारों के ऊपर है, बहुत बड़ा फेलियर हमारे देश में डेमोक्रेसी का है, बहुत बड़ा फेलियर यहाँ की लीडरशिप का है, बहुत बड़ा फेलियर कि जो हमें आज भी अपने घरों में रिहैबिलिटेट नहीं कर पाते, जो आज भी हमें अपने रूट्स के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ा फेलियर है देश की सरकारों का। देखिए, आपने पीएम पैकेज की बात की, पीएम पैकेज में आपने बहुत सारे कश्मीरी पंडित की एम्प्लॉयमेंट करवाई, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कश्मीर में क्यों एम्प्लॉयमेंट करवाई? आप चाहते तो जम्मू में भी करवा सकते थे। देखिए मैडम, कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट का रीज़न केवल नौकरी नहीं है, उसमें हमारी एक सोच थी। हमारी सोच ये है कि हम कश्मीर को कैसे वापस लाए, हम कश्मीर को कहाँ, कैसे हम अपनी मदरलैंड में फिर बसे। कश्मीर का मतलब केवल सर्वाइवल नहीं है, वो हमारा घर है, वो हमारी मातृभूमि है। जिस मातृभूमि में हमने जन्मा,
हर एक इंसान चाहता है कि जिस मातृभूमि में आप जन्मे उसी मातृभूमि में आपका अंत भी हो। हमें आज भी हमारे समाज को वो मरण भूमि प्राप्त नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ा कलंक है इस देश के उन लोगों के लिए जो बहुत बड़े सेकुलरिज्म के दावे करते हैं, उन लोगों के लिए जो देश को आगे बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। और हमने कश्मीर में नौकरी के लिए सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण रीज़न था वो ये था कि हम अपने रूट्स के साथ कनेक्ट हो जाए और हमारी आइडेंटिटी हमें वापस मिले। और ये जो एक माइग्रेंट का नाम हमें दिया गया, ये माइग्रेंट का नाम बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ये ज़ोर ज़बरदस्ती आपने हमें रखा है। एक आरजी राशन कार्ड के सहारे कश्मीरी पंडित पिछले 30 साल से जी रहा है, वो भी मैं उर्दू में लिखा हुआ। आज भी अगर हमारी आइडेंटिटी कुछ है वो केवल एक आरजी राशन कार्ड है जो देश ने हमारे हाथ में थमा दिया, रियासत जम्मू कश्मीर ने हमारे हाथ में थमा दिया। रियलिटी ये है कि वो आरजी राशन कार्ड के सहारे हमें जीना पड़ता है। और हमारे कम्युनिटी में कम से कम अभी तक 2 जनरेशन इस दुनिया से चली गई और तीसरी जनरेशन भी इस टाइम चल रही है। तभी हम फाइट कर रहे हैं कि जो हमारा फ्यूचर अब जनिक्स्ट कश्मीरी पंडितस है, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, कम से कम वो सिक्योर हो। लिहाजा हम इस टाइम फिर से आवाहन करते हैं, अपील करते हैं देश के बड़े बड़े नेताओं को, इन पर्टिकुलर नरेंद्र जी मोदी को और रियासत के गवर्नर साहब को या जो भी कल रूलिंग पार्टी में आएंगे, कि आप कम से कम एक बार इसको विराम दे दीजिए और हमें अपना घर वापस लौटा दीजिए। और ये कोई एक गलत फहमी पूरे देश में डाली जाती है कि कश्मीरी पंडित तैयार नहीं है, वो कश्मीर जाना नहीं चाहता है। आप कैसे इसको सिद्ध करेंगे? मैंने 2010 से लेके 2019 तक 4,500 कश्मीरी पंडितों कश्मीरी वैलों के जाने के लिए तैयार किया, और आप उनके साथ क्या कर रहे हैं? उनको बच्चों का फ्यूचर वहाँ सिक्योर नहीं हो रहा, उनको पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं है, उनको रहने का घर नहीं है, उनको जो बेसिक एक फंडामेंटल राइट्स होते हैं आप उनको वो नहीं देते हैं। यही रीज़न होता है लोग बार बार कश्मीर से भागते हैं और फिर आप कहते हैं कि ये वहाँ बसना नहीं चाहते। अब मुझे बताइए कि आपको लगता है कि कश्मीर में ऐसा माहौल है कि कश्मीरी पंडित वहाँ सेफली रह सकता है? देखिए, माहौल को कंडेंसु बनाना ये गवर्नमेंट का दायित्व बनता है और ये उनकी मजबूरी है। कश्मीर के पंडितों को कश्मीर में सिक्योर रखना ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए, तभी हम कुछ चीज़ें बहुत तरीके से लेते हैं, बहुत तरीके से जाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कश्मीर के हालात आज भी वैसे नहीं हैं कि एकदम कोई माइग्रेंट कश्मीरी पंडित वापस चला जाए, अपने घरों में रहे। इन हालातों को काबू करने के लिए कुछ काम हो रहे हैं, लेकिन बहुत काम होना बाकी है। और जब भी कश्मीर वैली हम जाएंगे, वो कश्मीरी पंडित के उन लोगों को कंसल्ट करके भेजना चाहिए जो ग्रास रूट लेवल वर्कर है, जो कश्मीर के साथ आज भी कनेक्टेड है। नहीं तो कश्मीरी पंडित के नाम पे बहुत सारे ठेकेदार बॉम्बे से लेके अमेरिका से लेके कश्मीर तक है जो हमारी वकालत करना चाहते हैं, जो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, वो आज कहते हैं हम कश्मीरी पंडित को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ, आप ये छोड़िए हमारे लिए वकालत करना। जिस टाइम कश्मीरी पंडित को आप लोगों की ज़रूरत थी, जिस टाइम हमें सहारे की ज़रूरत थी, उस टाइम आप अपने नाम फेम मनी अर्न करने में लगे थे, और आज जब कश्मीरी पंडित खुद अपने पैरों पर खड़ा हो रहा, आज आप इसकी वकालत नहीं कर सकते। ये वही नौजवान फैसला करेगा कश्मीर कब जाना है, किन हालातों में जाना है, कहाँ पर रहना है। और आज अभी मैं कुछ टाइम से देख रहा हूँ, कुछ चंद मुट्ठी भर लोग सेपरेटिस्ट्स के पास जाके कोई टोली बना के ये लोगों को इंप्रेशन दे रहे हैं कि कश्मीरी पंडित वापस आने को तैयार है। वो अपने घरों में रहेगा, किस घर में रहेगा? जिस घर की जमीन उसके वो नसीब नहीं है। किस घर में रहेगा? जिस घर को आपने जला दिया। किस जमीन पे वो मकान बनाएगा जिसको आपने एनक्रोच कर दिया? किस जमीन पे वो वापस जाएगा जिस जमीन पे उसको चलने का हक नहीं मिल रहा है? मैं उनको भी वार्न करना चाहता हूं कि आप ये ख्याली पुलाव और लोगों को मिसगाइड करना छोड़ दीजिए। कश्मीरी पंडित जो खासकर जम्मू में और कैंपस में रह रहा है, उसको पता है मुझे कब जाना है कब नहीं जाना, इसका फैसला वो खुद करेगा, ना कि वो लोग करेंगे जो पेड एजेंट्स है, जो कुछ लोगों के साथ एजेंट्स बनके कश्मीरी पंडित की रिटर्न को सिद्ध करना चाहते हैं। ये कतई हमें मंजूर नहीं है। कश्मीरी पंडित के एक्सोडस पर जो राज्यसभा है, राज्यसभा की होम अफेयर कमेटी ने
रिकमेंडेशन दी थी कि वाइट पेपर इशू होना चाहिए, लेकिन इस मामले पे कोई भी बात नहीं हुई, ना जम्मू कश्मीर की सरकार ने कोई बात की, ना ही हमारे कश्मीरी पंडित लीडर ने कभी ये सोचा कि हम इस बात पे चर्चा करें कि आज तक क्यों वाइट पेपर इशू नहीं हुआ इस चीज़ के ऊपर। आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया इस चीज़ के ऊपर? मैडम, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी आपसे कहा कि ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटीज़, हमारे पास पावर नहीं होते हैं, हम चिल्लाते हैं, आप हर बार हमें सड़क पर देखते हैं। आज भी सवेरे से हम सड़क पे थे वर्ल्ड रिफ्यूजीज डे को मनाने के लिए, हम बाहर सड़क पे थे, हमारे हाथ में इतना ही होता है। और कश्मीरी पंडित को वापस जाने के लिए, इसको सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत सारे जरिए अडॉप्ट करने पड़ेंगे। पहले तो हमें पॉलिटिकल रिजर्व करना, पॉलिटिकली एम्पावर करना चाहिए, हमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं है। हमें भी कुछ असेंबलीज रिप्रेजेंट करनी चाहिए, हमें भी पार्लियामेंट में अपना रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर होना चाहिए। कश्मीरी पंडित को वापस जाने के लिए हमने एक मॉड्यूल तैयार कर चुके हैं कि हम किस तरीके से वापस जा सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन होनी चाहिए। कम से कम 4 सीटें कश्मीर में कश्मीरी पंडित के लिए रिजर्व होनी चाहिए जो असेंबली में वो लड़ेगा, पार्लियामेंट में 1 सीट होनी चाहिए। मैं आपको कुछ ऐसे एरिया कश्मीर के बताऊंगा जिनमें कश्मीरी पंडित की डोमिनेशन थी, चाहे वो श्रीनगर की बात करें, अनंतनाग की बात करें, बड़गामा की बात करें, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमारा बहुत तादाद में लोग रहते थे। तो हम चाहते हैं हम उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को खुद रिप्रेजेंट करें और हमारा स्टेटस होना चाहिए, हमारी कुछ रिजर्वेशंस होनी चाहिए। देश में अगर आप कहते हैं बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जिनके अपने अपनी रिजर्वेशन है, और ये इंप्रेशन दिया जाता है कि कश्मीरी पंडित को एक जगह नहीं बसना चाहिए, पूरी ज़मीन में ले बसना चाहिए, ये क्या मतलब होता है? मैं आपको जम्मू में कुछ ऐसे एरिया बताऊंगा जहां हर कोई अपने अपने एरिया में रहना पसंद करता है। हम नहीं चाहते हम अलग रहें, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हम एक साथ रहें, ये कोई पाप है? तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस टाइम पार्लियामेंट में, इनके पास पावर है, मोदी जी को एक मैंडेट है। इस टाइम भारतीय जनता पार्टी का ऐसा एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि उन्होंने कश्मीरी पंडित का घर वापसी ही नहीं किया, उन्होंने हमें पॉलिटिकल एम्पावर नहीं किया, उन्होंने हमारे जो डिमांड्स है, चाहे शॉर्ट टर्म डिमांड्स हम कहें, लॉन्ग टर्म डिमांड्स है, इस टाइम उनको सोचना चाहिए, उनके पास मैंडेट है और इन पे उनको फैसला लेना चाहिए कि कश्मीरी पंडित को कैसे हम वापस बसाएंगे, इसको हम कैसे अपना घर वापस देंगे। अगर इस बार भी हिंदुस्तान की सरकार, राज्य सरकार इसमें फेल हो गई, विफल हो गई, तो फिर हम जैसे लोगों को इस डेमोक्रेसी पे विश्वास खत्म हो जाएगा और हम इस सेकुलरिज्म को फिर इस दिशा में आगे बढ़ने में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। आपको कितना परसेंट लगता है, जैसे 30 साल हो गए आज, जो भी नई गवर्नमेंट आती है वो कश्मीरी पंडित को यहाँ भी बजा के जाती है, वहाँ भी बजा के जाती है कि आपको कश्मीर वापस लेके जाएंगे, लेकिन पिछले 30 सालों में ना तो कांग्रेस, ना तो बीजेपी, ना ही किसी अन्य पार्टी ने ऐसा कोई काम किया है, तो आपको क्या लगता है आप जा पाएंगे आगे कश्मीर या नहीं? देखिए, ये जवाब तो सरकारें देंगी जो सरकार नहीं कर पाए। मोदी जी ने भी इस मैनिफेस्टो में कहा कि कश्मीरी पंडित को वापस लेंगे, कांग्रेस ने कितनी बार कहा, जो मेन मेजर दो नेशनल पार्टीज हमारे पास है, इन्होंने हर टाइम ये स्लोगन दिया है कि कश्मीर कश्मीरी पंडितों के लिए अधूरा है। मैं आज आपके माध्यम से इन सब नेताओं तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, बहुत हो गया ये स्लोगन, आप पिस गए कि कश्मीर अधूरा है कश्मीरी पंडित के बगैर। अब ये एक स्लोगन नहीं चलेगा, अब इस पर काम करने की ज़रूरत है, हर एक इंसान को कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। उसमें कश्मीरी पंडित ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर चुका है, क्योंकि हमारे नौजवान आज कश्मीर में है। अब आपको भी समय आया है कि आप अपने स्किल को प्रूव करिए। अब ये स्लोगन क्या गेम खत्म हो गया, अब काम करने का खत्म हो गया। एक आशावादी इंसान, एक पीस लविंग कम्युनिटी, हर टाइम हम इस आशा में रहते हैं कि कल अच्छा सुबह होगा, कल अच्छा सवेरा होगा। इसीलिए हम भी चाहते हैं कि शायद जो पूरा पिछला टाइम चला गया, कल से हम भी अच्छा समय देखें, हम भी कंट्रीब्यूट करें और हमें भी अपना घर वापस मिले, यही हमारी आशा है। हम भी यही चाहते हैं कि हमें भी हमारा घर वापस मिले। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस इंटरव्यू को खत्म करते हैं। श्वेता सबर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।